ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल के सेक्टर 13 में एक परिवार के घर पहुंचे हैं और यहां पर वो उनसे मिलेंगे। फिलहाल देख सकते हैं सेक्टर 13 में एक परिवार के घर, गोयल परिवार है, उनके घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी, उनसे मिलेंगे और बातचीत भी करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं एक सुबह सुबह प्रोग्राम है मुख्यमंत्री नायब सैनी का, और आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं कि स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री नायब सैनी का, स्वागत परिवार की ओर से किया जा रहा है। जब मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ तो कई लोगों के, विपक्षी दलों के पेट खराब हो गए, कहने लगे कहां इकट्ठे हो जो सारे जने का। हुड्डा साहब भी यही बोल रहा, कहा भाई बीजेपी उड़ाना तो कहा कट्ठे हो जो सारे, कहा अरे करनाल का रास्ता कहा कांग्रेस का चंडीगढ़ जाएगा, बड़ा चला जाएगा भाई, रास्ता तो खुला पड़ा, कौन रोक रहा किसी ने। फिर वही नल्लो के मुखिया का फोन आया, कहा मैं सभी ने सलाह दूं, कहा सारे कट्ठे हो जो, कहा तब आ रहेगी, कहा बीजेपी और इसको बाढ़ आएगा। फिर जजपाले का फोन आ गया, सारे ही एक पंगड़ के ऊपर बैठ गए, उड्डा भी बैठ गया, अभय भी बैठ गया, दुष्यंत भी एक बैठ गया, सारे इकट्ठे हो गए, परंतु करनाल साथ खड़ा था। और जब करनाल साथ खड़ा था और करनाल ने वो संदेश पूरे प्रदेश के अंदर देने का काम किया है कि चंडीगढ़ कोई और नहीं जाएगा, चंडीगढ़ कमल का फूल जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाएगा, ये संदेश दिया है, डट करके काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम स्पष्टवादी आदमी हैं, अधिकारियों को भी हमने बोला है कि लोगों की ग्रीवेंस का प्राथमिकता के आधार के ऊपर उनको पूरा करें। हमारे डीसी महोदय, एसपी महोदय हर रोज खुले दरबार में बैठते हैं, जो जो समस्याएं उनका सरलीकरण कर रहे हैं। मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हैं, मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, मनोहर लाल जी ने जो सिस्टम खड़ा किया है लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। अभी दो रोज पहले भूपेंद्र हुड्डा आया और वो आकर के कह रहा यही करनाल मां, कहा हमारी सरकार आवेगी, कहा ये पोर्टल हम सारे बंद कर देंगे। आज मैं जींद के अंदर एक कार्यक्रम के अंदर जा रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी ने सिस्टम बनाया,